नमस्कार, मैं सुष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे में कल एक घंटे की बजाय डेढ़ घंटे चली पीएम मोदी और जो बाइडेन की बैठक। बाइडेन बोले, अगली बार दो दिन से ज्यादा कहो कार्यक्रम। वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंचे पीएम मोदी, आज यूएनजीए में कोरोना, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर होगा संबोधन। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हरमोहन धवन के बेटे विक्रम धवन को बनाया गया आम आदमी पार्टी का उपाध्यक्ष, आने वाले चुनाव को देखते हुए दी जिम्मेदारी। देश में 24 घंटे में मिले 29,616 नए कोरोना मरीज, बीते दिन 290 लोगों की गई जान। इसराइल ने टीका न लगवाने वाले शिक्षकों के पढ़ाने पर लगाया प्रतिबंध, स्कूलों में एंट्री पर रोक। अपने नागरिकों पर पाकिस्तान में लगातार हमले से परेशान चीन, 14 जुलाई को दासों में बस दुर्घटना के हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने की करी मांग। हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी के मेडिकल ऑफिसर के लिए होने वाले इंटरव्यू पर लगाई रोक, 30 सितंबर तक मांगा जवाब। शेयर होल्डर्स को मुनाफा देने के मामले में सबसे आगे है टाटा ग्रुप, जनवरी से अब तक दिया है 6 लाख करोड़ रुपए का रिटर्न। पाकिस्तान का दौरा कर सकती है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, इस दौरे में दोनों के बीच वनडे सीरीज खेलने पर होगा फैसला। द कपिल शर्मा शो के मेकर्स के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, कोर्ट का अपमान करने का लगा आरोप। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें इंडिया खबर।